अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये मोरगबाजी से हटकर है। बाज़ दोस्तों ने हमसे सवाल पूछा है कि YouTube पे आप भी काम कर रहे हैं, तो YouTube पे जो है हमें ग्राफिक वायलेशन आम मिल रही है, ना हमने मुर्गे को पकड़ा है हाथ में, ना हमने कोई ब्लड वगैरह सामने आया, ना हमने ऐसी कोई एक्टिविटी की है, फिर भी हमें क्यों स्ट्राइक मिल रही है। तो दोस्तों, हमारी ये जो वीडियो है आज में, इसमें हम आपको ये भी बताएंगे, ये स्पेशली उन न्यू यूट्यूबर्स के लिए है जो हमारे काम करना चाहते हैं और यूट्यूब से कमाई करना चाहते हैं। दोस्तों, यूट्यूब की तीन बातें आप समझ लें। पहली बात जो है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें कहीं पे ब्लड आ रहा हो या तशद्दुद की पॉलिसी हो, जब भी आप ऐसी कोई वीडियो जो है अपलोड करेंगे तो आपको स्ट्राइक मिलेगी। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि दोस्तों, जब भी आप मुर्गा है या कोई भी पेट एनिमल की कोई ऐसी चीज़ कैटेगरी जिसमें आप बिल्कुल कैमरा क्लोज दे के जाएंगे, तब भी आपको स्ट्राइक मिलेगी यूट्यूब की, और उसमें ग्राफिक वायलेशन नाम की स्ट्राइक मिलेगी। कभी भी अपने कैमरे को बर्ड के क्लोज ना लेके जाएं, ज़रा दूर से थोड़ा सा जूम इन आउट करके शौक करवा दें, बिल्कुल नज़दीक आँख के या चेहरे के या उसको हाथ में पकड़ कर दिखाने से गुरेज करें। जब भी आपका चैनल मोनिटाइज होगा, ये फौरन आपको स्ट्राइक देंगे। जिस टाइम तक आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, उस वक्त तक आपको नोटिस नहीं करेंगे, जैसे ही आपका चैनल मोनिटाइज होगा फौरन ही स्ट्राइक दे देंगे ग्राफिक वायलेशन की। इसी तरीके से अगर आप मुर्गों के कील चढ़ाने वाली वीडियो या मुर्गों की लड़ाई की वीडियो जो है इसमें अपलोड करेंगे, तो भी आपके चैनल को फौरन स्ट्राइक मिलेगी। हर वो एक्टिविटी जिसमें आपने परिंदे को पकड़ा हुआ होगा या उसको पकड़ के उसका कोई इलाज कर रहे होंगे और परिंदे ने कसमक खाना शुरू किया या तड़पना शुरू किया, फौरन ही आपको यूट्यूब से स्ट्राइक दे देगा। चुटकी पे भी आपको हरगिज नहीं घुमाना चाहिए मुर्गे को। अगर आप चुटकी पे घुमा के भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इस पे भी आपको स्ट्राइक मिलेगी। ये तो वो चीज़ें हो गई कि आप ये स्ट्राइक से गुरेज करें। दूसरी चीज़ जो है, आप परमानेंट काम करें हर रोज़, चाहे आपकी वीडियो हिट होती है नहीं होती है, लगातार अपने एक मखसूस टाइमिंग में, जो आपका टाइम है, जो YouTube रिकमेंड करता है कि इस टाइम आपकी ऑडियंस इकट्ठी है, थोड़ी है, बहुत है, उसी टाइम वीडियो परमानेंट आपने अपलोड करनी है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ जो है वो आपने ख़ास ध्यान करना है, वो जो आपने कैटेगरी चुननी है ना, चाहे आप व्लॉग की कैटेगरी चुन रहे हैं, चाहे आप पेट एंड एनिमल की चुन रहे हैं, जो भी आपने कैटेगरी चुनी है, अपनी वीडियो जो है हमेशा उसी से रिलेटेड बनाएं। कभी भी ये ना करें कि आपकी कैटेगरी पेट एंड एनिमल है और आप कह रहे हैं जी मैं ये कागान की सैर के लिए आया हूँ, तो कोई नहीं देखेगा। यूट्यूब का सिलसिला दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है कि उन्होंने एक फोल्डर बनाए हुए होते हैं कि ये जी पेट एंड एनिमल का फोल्डर है, ये जी व्लॉगर का फोल्डर है, ये जी जो सैर के लिए जाते हैं उनका है, ये जी मुल्कों की जो मुख्तलिफ सियात वाले लोग वाकयात अपने दिखाते हैं और सियाती मकाम दिखाते हैं, ये उनका है। तो कहने का मकसद ये है कि जो कैटेगरी आपने चुननी है एक दफ़ा, उसी कैटेगरी की रिलेटेड जो है आपने, जैसे आपकी कैटेगरी है क्राइम एंड कंट्रोल, तो आपने हमेशा उसमें क्राइम की रिपोर्टिंग करनी है। तो वो होगा ये कि जो आपकी कैटेगरी है, जैसे अब मेरी कैटेगरी पेट एंड एनिमल है, मैं हमेशा जो है अपने बर्ड्स की, परिंदों की, मुर्गों की, कबूतरों की, इवन ये जो है हमारे एक घोड़ी हमने रखी हुई है उसकी, या जो हमारे दोस्त हैं उनके पास, चाहे कोई बकरियां हैं, चाहे उनके पास कोई खरगोश है, जितने भी एनिमल हैं पालतू जानवर जो हैं, कुत्ते हैं, उनकी मैं वीडियो जो है इस पर अपलोड करूँगा अपने चैनल पर। ये नहीं होगा कि अब इस चैनल पे मैं कहूँ जी कि मैं मीनार पाकिस्तान देखने गया हूँ दोस्तों देखो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा YouTube ने वही रख देनी है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है फोल्डर में रखने का? फ़ायदा ये होता है कि जो बंदा सर्च करता है कि मुझे जी पेट एंड एनिमल की कैटेगरी देखनी है, तो वहाँ पर पेट एंड एनिमल में मेरी वीडियोज़ भी सामने आएंगी जो यूट्यूब रिकमेंड करता है। याद रखिएगा, आपकी वीडियो कभी भी वायरल नहीं होगी कि आपकी जो कैटेगरी है वो पेट एंड एनिमल है और आप मीनार पाकिस्तान की वीडियो पर चढ़ा रहे हैं या एक्ट्रेसेस की। तो कहने का मकसद ये है दोस्तों, जो आपकी कैटेगरी उसी से रिलेटेड जो है आपने वीडियोस बनानी है।
अगर आप वीलागर हैं तो वीलाग में तो सब चीज़ें आती हैं, लेकिन जो मखसूस आप जो कैटेगरी चुनेंगे ना वीलाग के अलावा, तो उसमें आपने ये ध्यान करना है कि उसी पेट एंड एनिमल की, जैसे मेरी कैटेगरी है तो मैं पेट एंड एनिमल से रिलेटेड ही वीडियोस अपलोड करूंगा। तो जब यूट्यूब को कोई बंदा सर्च करेगा पेट एंड एनिमल में, तो वो मेरी वीडियोस भी साथ में दिखाएंगे पेट एंड एनिमल फोल्डर वाली। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो हमने आपके साथ शेयर कर ली। ये हमारी उन वीडियोस से हट कर है कि जो हम रोज़ाना अपलोड करते हैं, ये स्पेशली जो है न्यू कमर्स यूट्यूबर्स के लिए हैं, जो हमारे दोस्त जो हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं यूट्यूब पर और उनको कमाई नहीं हो रही, तो वो ये तरीका करें, इंशाल्लाह जो है यूट्यूब से उनकी कमाई आना शुरू हो जाएगी। जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो एक डेली शॉर्ट वीडियो अपनी अपलोड किया करें सुबह के टाइम पे, एक मखसूस टाइम में, और शाम को जो है अपनी जो जिस टाइम उनकी ऑडियंस होती है उस टाइम जो है वो अपनी दूसरी वीडियो जो है अपलोड करें। याद रखिएगा, आपने जो वीडियो अपलोड करनी है कम से कम 8 मिनट की हो, 8 मिनट से कम की वीडियो जो है यूट्यूब पे आपने कभी नहीं डालनी, और इतनी लंबी भी नहीं डालनी। आप और हम सुपरस्टार थोड़े ही हैं कि कोई 20-25 मिनट जो है हमको सुनता रहे, तो ऐसा नहीं होता कि कोई 20-25 मिनट लोगों को एंगेज कर सके, लोग 1-2 मिनट देख कर चले जाते हैं। तो कोशिश करें अपनी वीडियो जो है 8 मिनट से ज़्यादा ना बनाएं। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो भी आज वाली आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।